बेटे एक बात है, खाना तो हम रोज बनाते हैं, कभी सोचा है कि जो हम खाते हैं उससे हमें सही पोषण मिलता भी है या नहीं? माँ जी, हम तो सालों से यही खाना खाते आए हैं, फिर आज अचानक ये सवाल क्यों? आज वो राशन की दुकान वाले राजू भैया है ना, उन्होंने बताया। पर कई बार हमें हमारे रोज के खाने से सही पोषण नहीं मिल पाता, जिससे एनीमिया, नाइट ब्लाइंडनेस जैसी तकलीफ हो सकती है। तो भैया, इसे बचा कैसे जाए? बहन जी, बस अपने खान पान पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ज्यादातर बच्चे और महिलाएं ही कुपोषण का शिकार होती है, क्योंकि उन्हें रोज के खाने में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं मिल पाता। अब सरकार ने मुहिम छेड़ा है फूड फोर्टिफिकेशन का, यानी चावल, आटा, नमक, दूध और खाद्य तेलों में सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए, विटामिन डी को सही मात्रा में मिलाकर राशन की दुकानों द्वारा बेचा जाएगा। तो अब हम सबके लिए ये फोर्टिफाइड चावल मिला है। अरे, ये तो बहुत ही बढ़िया माँ जी, पर क्या सब लोग इस चावल को पसंद करेंगे? बिटिया, फोर्टिफिकेशन से चावल की खुशबू, स्वाद और दिखने में कोई अंतर नहीं आता। पर इसका रख रखाव और पकाने का तरीका अलग होगा ना माँ जी? बिटिया, ना कोई खास रख रखाव है, ना पकाने का कोई खास तरीका। जैसे हम आम चावल बनाते हैं ना, इसे भी वैसे ही रखना और पकाना है। अच्छा, तो बेटा, अगर उसी खाने से हमें बेहतर सेहत मिले, जिससे हमारा शरीर और दिमाग दोनों चुस्त हो, तो इससे अच्छा सौदा और क्या हो सकता है? हाँ माँ, बात तो आपकी एकदम सही है।